पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कथित पत्रकार के द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। एक कथित पत्रकार द्वारा तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में 27 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिए थे। उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन सरकार ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। 29 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगन आदेश दिया था। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। वहीं बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एक कथित पत्रकार द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर एक तरह से उत्तराखंड हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई है, जिन हाई कोर्ट के अति विद्वान न्यायाधीशों ने बिना सुने और बिना नोटिस दिए ही किन्हीं कारणों से अंतर्यामी की तरह से तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ फैसला दिया था। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया है जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और एक सिरे से जो पैरा 8 है उसको खारिज कर दिया। मैं विद्वान और अति विद्वान न्यायाधीश कहूंगा हाई कोर्ट के, जिन्होंने बिना सुने, बिना किसी नोटिस के और किन्हीं कारणों से, वो कारण अज्ञात कारण है लेकिन मैं कहूंगा कि एक अंतर्यामी की तरह उन्होंने जिस तरह से निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज करके उसको सुनने के अयोग्य ठहराया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं जो मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया एक ब्लैक मेलर के द्वारा, जो जग जाहिर है, मैं अब कानूनी राय लूंगा कि जो झूठे एलिगेशन लगाए गए थे उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं विधिक राय लेने के बाद ही उस पर आगे निर्णय लूंगा।